दोस्तों, एक तरफ दुनिया के कई देशों में भुखमरी के बादल छाए हुए हैं, वहीं कुछ लोग इतने अमीर हैं कि उन्हें पैसा खर्च करने का जुनून सवार है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने अजीबोगरीब शौकों के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें एक दिन की रोटी भी नसीब नहीं होती। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ 10 ऐसे अरबपति लोगों के बारे में जिन्होंने करोड़ों रुपयों को अजीबोगरीब शौक पर खर्च कर दिया। मैं हूं आपका दोस्त दक्ष और आप देख रहे हैं अमेजिंग टॉप 5। नंबर 10, हमद बिन हमदान नाम के एक अरबपति को यह शौक चढ़ा कि उसका नाम धरती पर लिखा हुआ स्पेस से दिखाई दे। इसीलिए उसने यूएई के शहर अबू धाबी के पास एक आइलैंड खरीदा और बहुत से बुलडोजर और मशीनों की सहायता से बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखवा दिया, जिसे अब स्पेस से देखा जा सकता है। नंबर 9, फोन आजकल सभी के पास होता है क्योंकि आज मोबाइल काफी काम की चीज है। लेकिन जो लोग ज्यादा अमीर होते हैं उन्हें आम फोन पसंद नहीं आते, यहाँ तक कि उन्हें आईफोन भी सस्ते लगते हैं। इसीलिए उन्हें चाहिए सोने का फोन। 2016 में स्टुअर्ट ह्यूज नाम के शख्स ने एक आईफोन ऐसा बनवाया जो कि सोने और हीरे का था और इसकी कीमत $15.3 मिलियन थी, यानी लगभग 107 करोड़ रुपए। इतने रुपए खर्च करके एक फोन खरीदने से अच्छा है कि आप एक फोन कंपनी खरीद के उसे बाकी कंपनियों से सस्ते दामों पर बेचकर मोटा मुनाफा कमाएं और लोगों का भी भला करें। यह फोन सोने का बना है, इसमें 600 हीरे जड़े हुए हैं और भी कई तरह के जेम्स इस मोबाइल फोन में लगे हुए हैं। नंबर 8, एंटीलिया। मुकेश अंबानी, जो कि भारत के सबसे अमीर आदमी हैं, उन्होंने मुंबई में जब अपना घर बनवाया तो उस पर इतने ज्यादा पैसे खर्च कर दिए कि वह दुनिया का सबसे महंगा घर बन गया। इस घर में थिएटर है, कार पार्किंग के 6 फ्लोर है, स्विमिंग पूल है, हेलीपैड है और इसकी मेंटेनेंस के लिए 600 लोगों का स्टाफ है। इस घर की कीमत 6000 करोड़ से 12000 करोड़ के बीच है। जहां आज गरीबों के पास रहने के लिए छत नहीं है, वहीं इतना महंगा घर होना बड़ी ही अजीब बात है। नंबर 7, एल्विस प्रेसले एक बहुत फेमस अमेरिकन सिंगर थे जिनकी 1977 में मौत हो गई। उनके लाखों करोड़ों फैंस दुनिया भर में मौजूद हैं और सभी फैंस अपने फेवरेट सेलिब्रिटी की तरह बनना चाहते हैं, उनकी चीज़ों को पसंद करते हैं और उन्हें फॉलो भी करते हैं। और यही एल्विस के साथ भी हुआ, जब एल्विस के एक फैन ने उनके बालों के गुच्छे को एक ऑक्शन में 42 लाख रुपयों में खरीद लिया था। नंबर 6, कार पर पैसों को खर्च करना, यह अमीरों का ही शौक माना जाता है और कार से जरूरी भी होती है। लेकिन 500 रोल्स रॉयस कार खरीदना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ब्रुनेई देश के सुल्तान ने अपने कार्स के शौक को पूरा करने के लिए अरबों रुपए खर्च कर डाले, जिसकी बदौलत उनके पास 500 रोल्स रॉयस कार है और एक कस्टमाइज रोल्स रॉयस कार भी है जिसकी कीमत 100 करोड़ 63 लाख रुपए है। और उनके पास आपको लगभग हर महंगे ब्रांड जैसे फरारी, बेंटले, मस्टैंग, लैम्बोर्गिनी जैसी सुपर्स कार देखने को मिल जाएगी। नंबर 5, दोस्तों, फोन पर बात करने में पैसे खर्च होते हैं, लेकिन अब जियो के आने से इंडिया में कॉल बेहद सस्ती हो गई है, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल कॉल करना महंगा है। एक महिला को अजनबियों से इंटरनेशनल कॉल करने का शौक था और उसने शौक पूरा करने के लिए इतनी कॉल की कि उसका फोन बिल आया $60,000, यानी कि 42 लाख रुपए। नंबर 4, स्टीव ए कोहेन नाम के अरबपति ने एक आर्ट वर्क खरीदा
जिसमें सार्क की डेड बॉडी थी और यह डेड बॉडी थी एक 14 फीट लंबी टाइगर सार्क की और इनकी कलेक्शन में सबसे ज्यादा भीड़ इसी सार्क को देखने के लिए लगती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सार्क की कीमत 8 से 12 मिलियन डॉलर के बीच है, यानी 56 करोड़ 20 लाख से 84 करोड़ 40 लाख के बीच। नंबर 3, निकोलस केज। इस हॉलीवुड एक्टर को आपने कई मूवीज में देखा होगा। निकोलस के पास भी करोड़ों की संपत्ति है, इसीलिए 2007 में इन्होंने मंगोलियन डायनासोर की हड्डियों का ढांचा खरीदा था जिसकी कीमत 2,70,000 डॉलर यानी लगभग 2 करोड़ रुपए थे। नंबर 2, एक बार फिर हम चर्चा करने वाले हैं ब्रुनेई के सुल्तान के बारे में, जिनका एक किस्सा बेहद मशहूर है। ब्रुनेई के सुल्तान का हेयर कट देखने में काफी नॉर्मल है, लेकिन उनका एक पर्सनल बार्बर है, क्योंकि सुल्तान के लिए पर्सनल बार्बर होना जरूरी भी है। एक बार ब्रुनेई के सुल्तान लंदन गए थे और उन्हें अपने हेयर कट करवाने की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने लंदन के किसी बार्बर से बाल ना कटवा कर एक लग्जरी प्राइवेट जेट ब्रुनेई भेजकर अपने बार्बर को बुलवाया और तब जाकर लंदन में उससे अपने बाल कटवाए और इस काम में लगभग 24,000 डॉलर यानी लगभग 17 लाख रुपए खर्च हुए। नंबर 1, दत्ता फुगे नाम के इस इंडियन करोड़पति इंसान के पास खुद की गोल्डन टी शर्ट है। यह खुद को गोल्डमैन बुलाते हैं। इन्होंने अपने लिए एक टी शर्ट बनवाई थी जो प्योर सोने की बनी थी। इसे बनाने में 15 दिन लगे और इसकी कीमत है 2,40,000 डॉलर यानी कि 1,68,00,000 रुपए। दोस्तों, आप सभी का इन अमीर लोगों की फिजूल खर्ची के बारे में क्या मानना है, कमेंट जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए। आप सभी का वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद।